स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ओके, हनी कॉम. आज से हम इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट बुक है आपकी हनी कॉम, और इसमें आपका सबसे फर्स्ट लेसन है 3 क्वेश्चंस. ठीक है, और ये आपका 7th क्लास का सिलेबस है. ठीक है, आई विल टीच यू 7th क्लास सिलेबस लेसन 1 3 क्वेश्चंस. ओके, देखिए लेसन 1 3 क्वेश्चंस में इसके टाइटल से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है, और टोटल कितने क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है, 3 क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका ये पूरा चैप्टर होगा. ठीक है, एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज लियो टॉल्स्टॉय. ओके, लियो टॉल्स्टॉय ने ये चैप्टर लिखा है, ये लेसन लिखा है, ये स्टोरी लिखी है. ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं आपके, फर्स्ट वन इज़ किंग, सेकेंड वन इज़ हर्मिट, थर्ड वन इज़ बियर्डेड मैन. ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट कैरेक्टर तो है आपका किंग. ठीक है, हर्मिट है, हर्मिट कह सकते हो एक साधु जो कि सबसे अलग लोगों से अलग रहता है, एक कुटिया बना के. ठीक है, और बियर्डेड मैन एक ऐसा मैन जिसकी कि दाढ़ी मूंछ होती है. ठीक है, तो उसको यहाँ बोला जा रहा है बियर्डेड मैन. तो यहाँ पे थ्री कैरेक्टर्स, दीज आर द 3 कैरेक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दीज कैरेक्टर्स वन बाय वन इन द स्टोरी. ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू समरी ऑफ 3 क्वेश्चंस. मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगी. ठीक है, आप ध्यान से सुनना कि इस चैप्टर में क्या है आपका मेनली. 3 क्वेश्चंस इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय. 3 क्वेश्चंस जो है एक शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी है. ठीक है, जो किसने लिखी है, लियो टॉल्स्टॉय ने. ओके, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ किंग. ये एक स्टोरी है राजा की. ठीक है, एक किंग की स्टोरी है, हु वॉन्टेड टू बिकम अ सक्सेसफुल रूलर, जो कि बनना चाहता था एक सक्सेसफुल रूलर. मीन्स इस स्टोरी के अंदर एक किंग है, एक राजा है, और वो मतलब अपने राज्य का सबसे बड़ा रूलर बनना चाहता था, बहुत ही सक्सेसफुल, जिसको हम कहते हैं कामयाब. ठीक है, एक मतलब मिसाल कायम करना चाहता था लोगों के सामने, एक बहुत बड़ा राजा बनना चाहता था. ठीक है, कि उसकी दुनिया में रेपुटेशन हो, लोग उसे जाने कि ये बहुत बड़ा राजा है, बहुत ही कामयाबी हासिल करी है. मतलब वो कुछ अलग चाहता था, सबसे डिफरेंट. ठीक है, ही थॉट दैट, वो क्या सोचता था, ही कुड बिकम अ बेटर रूलर इफ़ ही न्यू द राइट टाइम टू चेयर हू वर द राइट पीपल टू एडवाइस हिम एंड वॉट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू. ओके, देखो यहाँ पे जो किंग है, जो राजा है, वो अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता है. वो ये सोचता है, क्या सोचता है, कि ही थॉट दैट ही कुड बिकम अ बेटर रूलर इफ़ ही न्यू द राइट टाइम टू बिगन अ न्यू वेंचर. ठीक है, प्रीवियस पेज में ये लास्ट लाइन थी आपकी, कि वो क्या सोचता है, कि वो एक बेटर रूलर तभी बन पाएगा जब उसे सही समय पता होगा अपने कोई भी काम शुरू करने का. ठीक है, या फिर उसको उस राइट पीपल के बारे में पता होगा जो कि उसको एडवाइस करेगा. ठीक है, जो कि उसको सही सलाह देगा. और वट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि वो करना चाहता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होनी चाहिए. मीन्स यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चंस आए हैं, जो कि वो अपने क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता है एक बेस्ट रूलर बनने के लिए. ठीक है, वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक तो किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या होना चाहिए. ठीक है, दूसरा उसको राइट पीपल के बारे में पता हो, एक ऐसे सही इंसान के बारे में पता हो जो उसको टाइम पे सही सलाह दे सके. ठीक है, थर्ड वन इज़ उसको सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि उसे करनी चाहिए, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, कि वो कौन से टाइम पे क्या सही चीज़ करे, वो क्या होनी चाहिए. ये 3 क्वेश्चंस का आंसर वो जानना चाहता था. ठीक है, जिससे कि वो एक बेस्ट रूलर बन सके. ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करता है, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता है, तो वो क्या करता है उसके लिए,
ही डिक्लेयर्ड रिवॉर्ड्स फॉर द पीपल हु गेव हिम सेटिस्फाइंग आंसर्स। वो प्रजा में डिक्लेरेशन करा देता है, मीन्स ऐसे डिक्लेयर कराता है कि वो उस आदमी को रिवॉर्ड देगा, इनाम देगा, जो भी उसको सेटिस्फाइंग आंसर प्रोवाइड करेगा, मीन्स जो उसके 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा, ठीक है, तो उसको वो रिवॉर्ड देगा, इनाम देगा उन लोगों को जो भी उसके क्वेश्चंस का आंसर देगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या होता है, मैनी पीपल केम, बहुत सारे लोग आते हैं, एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर डिफरेंट। और बहुत सारे लोग आते हैं, वाइस मैन आते हैं, ठीक है, दूर दूर से लोग आते हैं, प्रजा में से भी बहुत लोग आते हैं उसको उन क्वेश्चन उन 3 क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन राजा सेटिस्फाइड नहीं होता उनके आंसर सुन के, ठीक है, कोई भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे पाता राजा को। द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, जो राजा है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ही वेंट टू अ वाइस हर्मिट, तो राजा जब देखता है कि कोई भी उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा, तो क्या करता है, वो एक हर्मिट के पास जाता है, और वो हर्मिट कैसा है, वाइस हर्मिट, ठीक है, बुद्धिमान हर्मिट है। और हर्मिट यहाँ पे क्या कह सकते हो कि ऐसा पर्सन जो कि सारी दुनिया से, सारे लोगों से अलग स्थान पे रहता है, अलग प्लेस पे रहता है, अकेला बिल्कुल, एक छोटी सी हट बना के रहता है, ठीक है, या उसको कह सकते हो कि एक साधु टाइप इंसान, ठीक है, सीकिंग आंसर। और वो उसके पास किस लिए जाता है, अपने आंसर्स का, अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको किसी ने कहा होगा कि भाई वहाँ पे कोई हर्मिट रहता है, शायद वो तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। तो इसीलिए राजा क्या करता है, हर्मिट के पास जाता है अपने क्वेश्चंस का आंसर मांगने के लिए, ठीक है। द हर्मिट वॉज डिगिंग ग्राउंड, और वहाँ पे जब वो जाता है राजा, तो हर्मिट वहाँ क्या कर रहा होता है, वो खुदाई कर रहा होता है, ग्राउंड में डिगिंग कर रहा होता है, खुदाई कर रहा होता है, ठीक है। व्हेन द किंग रीच्ड देयर, जब राजा वहाँ पहुँचता है, तो हर्मिट जो था वो अपने काम में लगा हुआ था, ठीक है। ही रिपीटेड हिज क्वेश्चन सेवरल टाइम्स बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। तो अब देखो क्या होता है कि जब राजा हर्मिट के पास जाता है, तो राजा उससे अपने क्वेश्चंस का बार बार आंसर पूछता है कि मेरे ये 3 क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर दो, मैं इन क्वेश्चंस का सही जवाब जानना चाहता हूँ, जिससे कि मैं एक सक्सेसफुल किंग बन सकूँ, एक रूलर बन सकूँ, अच्छा, ठीक है। तो वो बार बार अपने क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेकिन हर्मिट क्या कर रहा है, हर्मिट कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, वो रेगुलरली अपने काम में लगा हुआ है और उसके क्वेश्चंस का कोई भी आंसर नहीं देता है, ठीक है। द किंग हेल्प द हर्मिट एंड डिगिंग, और फिर राजा भी क्या करता है, वो हर्मिट की हेल्प करता है डिगिंग में, मीन्स खुदाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, देन दे सो अ स्ट्रेंजर हु वॉज बैडली वाउंडेड रनिंग टुवर्ड्स दम, और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक अजनबी आ रहा होता है, एक स्ट्रेंजर आ रहा होता है, एक ऐसा पर्सन आ रहा होता है जिसे वो जानते ही नहीं थे, और वो बहुत ही बुरी तरह घायल था, ठीक है, वाउंडेड मीन्स घायल होना, बहुत ही बुरी तरह वो घायल था, रनिंग टुवर्ड्स दम, और वो भागता हुआ आ रहा था उन दोनों के पास, किन दोनों के पास, हर्मिट के पास और किंग के पास, ठीक है। हर्मिट और किंग दोनों अपनी डिगिंग में लगे हुए थे, ग्राउंड की खुदाई कर रहे थे, ठीक है, वो अपने काम में लगे हुए थे दोनों, तो वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक स्ट्रेंजर भागता हुआ आ रहा है, और जो कि बहुत ज़्यादा घायल था, ठीक है। द किंग नर्स्ड हिम एंड बैंडेज्ड हिज वाउंड्स, लेकिन राजा क्या करता है, वो उसको ट्रीटमेंट देता है, ठीक है, जैसे कि एक नर्स अपने पेशेंट को ट्रीट करती है जब एकदम से कोई पेशेंट आता है, ठीक है, उसको बैंडेज वगैरह लगाती है उसके घावों पे, इसी तरह से वो भी बैंडेज लगाता है उसके घावों पे, ठीक है। लेटर द मैन टोल्ड दैट, और उसके बाद जो आदमी है वो क्या कहता है कि ही वॉज द किंग्स एनिमी। देखो यहाँ पे स्टोरी कैसे एकदम से यहाँ पे चेंज हो जाती है कि जो आदमी उनके तरफ भागते हुए आया था, और जब राजा उसकी उसको उसके वाउंड्स पे पट्टी बांध रहा था, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तो राजा को वो एनिमी, वो राजा को वो स्ट्रेंजर क्या बताता है कि मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम्हारा एनिमी हूँ, ठीक है।
एंड वॉन्टेड टू किल हिम, और वो किस पर्पज से आया था, वो उस राजा को मारने के लिए आया था, ठीक है, उसको किल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आया था. एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ ही वॉन्टेड टू बिकम हिज सर्वेंट. अब देखो, राजा को हैरानी तो हुई होगी ये बात सुन के कि भाई जिसको उसने बचाया वो तो आया ही इसलिए था कि उस राजा को मार सके, ठीक है, वो उसका दुश्मन था. लेकिन उल्टा क्या होता है कि यहाँ पे जो राजा के जो सिपाही थे जो कि दूर खड़े थे, तो उनको पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई राजा का दुश्मन आ रहा है, तो उसको रास्ते में ही मतलब घायल कर देते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं. तो वो घायल की अवस्था में ही राजा और हर्मिट के पास भागता हुआ आता है, और बाद में राजा को पता चलता है कि ये तो उनका दुश्मन है. लेकिन फिर भी राजा ने देखो उसको सेव करने की कोशिश करी, ठीक है. तो बाद में क्या होता है कि जो वो स्ट्रेंजर है वो कहता है कि मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, ठीक है. द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द हर्मिट बिफोर लीविंग. अब देखो यहाँ पे जो राजा है वो रिपीटेडली अपने दोबारा से फिर से क्वेश्चंस पूछता है हर्मिट से, ठीक है. जब वहाँ से जाने से पहले अपने क्वेश्चंस का एक बार वो आंसर जानना चाहता है. द हर्मिट सैड दैट द किंग ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर्स थ्रू हिज डीड्स. और हर्मिट क्या कहता है, जो राजा है उसको पहले ही अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है अपने काम के द्वारा. जो भी उसने अभी हर्मिट के साथ रह के जो भी उसने अपने काम किए, अपने कार्य किए, ठीक है, उससे उसे अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है. ये बात किसने किसको कही है, हर्मिट ने राजा को कही है, ठीक है. He said that there is only one time that is important now. अब वो हर्मिट क्या कहता है, अब दोबारा से उसके सारे तीनों क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, और क्या कहता है कि उसने कहा कि there is only one time, सिर्फ एक ही टाइम ऐसा होता है that is important, जो कि बहुत ज़्यादा important होता है, और वो टाइम कौन सा होता है, now, अब, means अभी जो आप, जो कोई भी अभी ये जो टाइम आपका चल रहा है, जैसे एट द प्रेजेंट, ठीक है, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप सुन रहे हो जो मैं आपको समरी समझा रही हूँ, वो सुन रहे हो, स्टोरी समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. तो ये जो टाइम है आपका प्रीशियस टाइम है, ठीक है. अगर आप इस टाइम पे अभी ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी. उससे क्या होगा कि आप अच्छे से वर्ड मीनिंग लर्न कर पाओगे, क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, ठीक है, आपका जो काम है वो ईजी हो जाएगा. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप नहीं कर पाओगे. तो इसी तरह से कोई भी इंसान है या कोई भी राजा है, उसका जो टाइम जो चल रहा है अभी, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन का क्या आंसर मिला उसे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द वन हुम ही इज करंटली विथ. और सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान कौन होता है जो कि उस टाइम पे उसके साथ होता है, मतलब कोई भी पर्सन हो, ठीक है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वही होता है जो उस टाइम पे जो भी उसके साथ पर्सन है, जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है. तो वही पर्सन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे वो अगर बात कर रहा है या उसके साथ कोई काम कर रहा है, तो वही पर्सन उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या मिला उसे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू is doing good to that person. और सबसे important काम, सबसे important चीज़ क्या होनी चाहिए कि उस person के साथ अच्छा करे, ठीक है. means वो person चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर वो अपना काम, अपने कार्य अच्छे से करता है, अगर वो उस person को भी अच्छे से treat करता है, अगर वो उस person के साथ अच्छा behave करता है, तो उसके साथ भी अच्छा होगा. देखो यहाँ पर क्या हुआ कि राजा ने क्या किया, जो स्ट्रेंजर आया था उसके पास, ठीक है, वो पहले ही घायल अवस्था में था, तो उसको पट्टी वगैरह बांध के उसके वाउंड्स को रिपेयर किया, ठीक है, उसको बचाने की कोशिश करी, ठीक है. अब उसको बचाया, लेकिन बाद में क्या पता चला कि वो पर्सन जो था वो उसका एनिमी था, और वो उसको मारने के लिए आया था. तो देखो जो दुश्मन था वो भी उसका दोस्त बन गया, ठीक है. क्यों बन गया दोस्त राजा का, क्योंकि राजा ने उस स्ट्रेंजर की जान बचाई थी, इस वजह से वो अपनी दुश्मनी भूल के
क्या क्या कहता है कि मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। तो देखो, अगर हम सब चीज़ें एक तरफ रख के सिर्फ हम ये सोचें कि हमारा जो टाइम अभी चल रहा है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस टाइम पे जो पर्सन हमारे साथ है वही पर्सन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो है जो कि हम उस पर्सन के साथ करेंगे, ठीक है। अगर हम उसके साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी वो इंसान कुछ ना कुछ गलत कर सकता है, ठीक है, वो बदला लेने के लिए कुछ भी गलत कर सकता है, ठीक है। और अगर हम उस पर्सन के साथ अच्छा करेंगे, ठीक है, तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, वो पर्सन भी हमारे साथ लॉयल रहेगा, अच्छा करेगा। अगर बाई चांस अगर ऐसा होता कि जैसे देखो राजा को ये पता चल गया कि ये तो मेरा दुश्मन है और राजा उस पर अटैक कर देता, उसको वहीं मार देता, तो क्या होता, वो इंसान नहीं ख़त्म। यहाँ पे राजा जो था एक सक्सेसफुल रूलर नहीं बन पाता, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने ये बात जानने के बाद भी अपने दुश्मन को नहीं मारा, और बदले में क्या हुआ कि उस स्ट्रेंजर ने राजा का सेवक होने के लिए वो तैयार हो गया, ठीक है। मीन्स उसका वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल था, बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर रहा था कि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें डिवोट कर दूंगा, तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। तो देखो मतलब क्या हुआ, उसकी जान भी बच गई और साथ में राजा भी खुश हो गया, उसको भी जो उसका दुश्मन था वो भी उसका दोस्त बन गया, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट होती है। और मोरल क्या है स्टोरी का, यही मोरल है, ये जो तीन क्वेश्चंस हैं ये हमारी लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे राजा की लाइफ में ये तीन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे उसके सक्सेसफुल होने में, इसी तरह से कोई भी इंसान है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी टीचर है, कोई भी इस दुनिया का इंसान है, अगर वो इन तीन क्वेश्चंस को समझ लेता है और अपनी लाइफ में अप्लाई करता है तो वो कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में भी ये तीन पॉइंट्स रिमेंबर रखोगे, अगर इनको याद रखोगे और अप्लाई करोगे, ऐसा करोगे अब सच में अपनी लाइफ में, तो आप भी ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। नाउ दोबारा से मैं एक बार दोबारा से ये पूरी समरी आपको, ये स्टोरी आपको एक बार बता देती हूँ जिससे कि आपको सारे रिकॉल हो जाए, आपको समझ आ जाए। देखो बेटा, इसमें ये बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी, ठीक है। इसमें एक राजा होता है, वो अपने तीन क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता है, वो चाहता है कि वो एक बहुत बड़ा रूलर बने, बहुत ही सक्सेसफुल रूलर बने अपने साम्राज्य का, अपने किंगडम का, ठीक है। तो वो अपने तीन क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता है, और उसके तीन क्वेश्चन क्या थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम एक इंसान के लिए या एक राजा के लिए क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, और थर्ड वन इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क, सबसे इम्पॉर्टेंट डीड मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, ठीक है। ये तीन क्वेश्चंस का आंसर वो जानना चाहता था, ठीक है। तो उसने अपने साम्राज्य में, अपनी जनता में उसने ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर देगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है, मैं उसे इनाम दूंगा। लेकिन और दूर दूर से लोग आते हैं उसके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, कोई मैजिशियन आता है, कोई कोई दूसरे साम्राज्य का कोई किंग, कोई मंत्री आता है, काउंसलर आता है, काउंसिल्स आती हैं, ठीक है, उसकी खुद की जो काउंसिल्स काउंसलर होते हैं, सब अपना अलग अलग आंसर देते हैं तीनों क्वेश्चंस का, लेकिन वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसको कोई सलाह देता है कि तुम हर्मिट के पास जाओ, साधु के पास जाओ, जो कि एक अलग से अपनी कुटिया बना के रहता है, वो शायद तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा। तो राजा क्या करता है, वहाँ जाता है और हर्मिट से अपने क्वेश्चंस का आंसर मांगता है। लेकिन हर्मिट क्या करता है, हर्मिट अपने काम में लगा हुआ था, वो खुदाई कर रहा था, ठीक है, डिगिंग कर रहा था ग्राउंड में, ठीक है, और वो राजा के क्वेश्चंस को सुन के भी अनसुना कर देता है, मीन्स वो उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देता है, और राजा बार बार अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए बार बार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हर्मिट कोई भी जवाब नहीं देता है। तो लास्ट में किंग क्या करता है, वो भी उसके साथ उसके काम में मदद करता है, उसके साथ मतलब डिगिंग करता है ग्राउंड में, ठीक है, खुदाई करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अचानक से कोई स्ट्रेंजर आता है, उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, वो दोनों देख रहे थे कि हमारी तरफ कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी, कोई भागता हुआ आ रहा है। तो बाद में जब वो उसके पास आ जाता है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो बहुत ही घायल है, बहुत ही वाउंडेड पर्सन है, इसको तो बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई है। और वो कैसा पर्सन था, वो बियर्डेड पर्सन था, मीन्स उसके पूरे फेस पे दाढ़ी मूंछ थी, ठीक है, अनजान आदमी था, नहीं जानता था राजा या हर्मिट कौन है ये, ठीक है।
तो फिर लेकिन सबसे पहले वो क्या करते हैं, उस पर्सन को जो चोटें लगी हुई थी, घाव थे उसके शरीर पे, उनको उसको पट्टी करके उसको ठीक करने की कोशिश करता है। जो राजा है उसकी बार बार बैंडेज करता है, ठीक है, उसको पानी पिलाता है, उसको कुटिया में अंदर जो हट बनी हुई थी हर्मिट की उसमें जाके बेड पर उसको लिटाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब उसको ये पूरा ट्रीटमेंट दे देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद राजा जब पूछता है कि तुम कौन हो, तो हर्मिट खुद कहता है कि सॉरी हर्मिट नहीं, वो स्ट्रेंजर कहता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया था, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तो राजा तो सुन के हैरान हो जाता है कि ये तो मेरा दुश्मन और ये मुझे मारने के लिए आया था और मैं ही इसी की मरहम पट्टी कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो लेकिन क्या कहता है स्ट्रेंजर, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत ही थैंकफुल हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मुझे ठीक किया, और मैं तो यहाँ तुम्हें मारना आया था लेकिन उल्टा तुमने तो मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हारा अब सर्वेंट बन जाऊँगा, मैं अपने दास दास यहाँ तुम्हारे काम में लगा दूँगा, अपने खुद को मैं खुद तुम्हें अपना सब कुछ दे दूँगा, ठीक है। ऐसे इस तरह से वो राजा को कहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो वो स्ट्रेंजर था वो राजा का दोस्त बन गया, क्योंकि यहाँ पे राजा ने अच्छा काम किया था, ठीक है, उसने एक मरते हुए को बचाया था, तो इसीलिए वो जो दुश्मन था उसका स्ट्रेंजर वो भी उसका दोस्त बन गया। फिर ये सब कुछ होने के बाद क्या होता है कि हर्मिट जो है वहाँ से जान हर्मिट की कुटिया से जाने से पहले, ठीक है, राजा जो है दोबारा से हर्मिट से अपने क्वेश्चंस पूछता है, अपने क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता है कि मुझे अपने तीनों क्वेश्चंस का आंसर बताओ, बार बार पूछ रहा है वो। लेकिन हर्मिट क्या कहता है कि तुम्हें तो पहले ही अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। तो राजा तो हैरान हो जाता है कि तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, तुमने तो मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया, तो मुझे कहाँ से पता चल गया मेरे आंसर्स, मेरे क्वेश्चंस का आंसर। तो राजा बोलता है कि सॉरी यहाँ पे हर्मिट बोलता है कि नहीं, तुम्हें अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है, जो तुमने अभी अभी जो काम किया, ठीक है, तुमने जो काम करे हैं अभी, ठीक है, जो तुमने उस वाउंडेड पर्सन की हेल्प करी, जो काम किया, ठीक है, वही उसी में तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है। लेकिन राजा फिर भी बोलता है नहीं, तुम अपने मुंह से बोल के बताओ कि क्या है क्वेश्चंस का आंसर। तो हर्मिट यहाँ पे क्या बताता है लास्ट में उसको कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है नाउ, अभी, मीन्स एट द प्रेजेंट, जो अभी आज अभी इस समय जो अभी हम कर रहे हैं, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है, सुन रहे हो अच्छे से, ये समरी सुन रहे हो इस चैप्टर की, ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है अभी आपके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है, खुद सोच के देखो। मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी टीचर, ठीक है, मैं अभी सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ आपके लिए, जो अभी आपका ये टाइम चल रहा है, ये टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप स्टडी कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, ठीक है, तो ये टाइम आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा, मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ पर्सन आपके लिए, ठीक है। और थर्ड वन इज़, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आप उस जो मैं आपको समझा रही हूँ उस काम को, उस बात को अच्छे से ध्यान से सुनो, ठीक है, जिससे कि अगर बाद में आप अपने माइंड में रिकॉल करते हो या इस वीडियो को देखते हो खुद, ठीक है, तो आपको सारा समझ में आ जाएगी, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपका यही है, ठीक है। तो यही तीन क्वेश्चंस का आंसर राजा को भी मिलता है जब उसने एक घायल आदमी की मदद करी, और जो कि वो उसका कौन था, एनिमी था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे राजा क्या है, उस वाउंडेड पर्सन की हेल्प करता है, तो वो टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जिस टाइम पे उसने उस पर्सन की मदद करी, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन राजा के लिए कौन था, वो स्ट्रेंजर था, ठीक है, जिसकी वो हेल्प कर रहा था, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था, उस स्ट्रेंजर की जान बचाना, ठीक है, जो भी वो उसकी बैंडेज कर रहा था या उसकी जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए बार बार अपने उस पर पट्टी बांध रहा था, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए उसको हट में जाके लिटाता है, उसको पानी पिलाता है, उसको मतलब भी नींद आ जाए, ठीक हो जाए वो, तो ये सारा ट्रीटमेंट वो इतने अच्छे से कर रहा है, तो यही उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। और लास्ट में उसको रिजल्ट क्या मिला इस चीज़ का, कि जो दुश्मन उसको मारने के लिए आया था वो भी उस राजा का दोस्त बन गया और उसका सेवक बन गया, उसका सर्वेंट बन गया, ठीक है। तो ये हमारी पूरी स्टोरी थी, आपको मोरल अच्छे से समझ में आ गया होगा इस स्टोरी का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टुमोरो वी विल डू वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। ओके, हमारी समरी यहीं पे फिनिश हो गई है, मैंने आपको रिपीट भी कर दी है इस पूरे चैप्टर की समरी, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है, अपनी फेयर रजिस्टर में
देखो उस फेयर रजिस्टर में अभी तक हम ग्रामर कर रहे थे, ठीक है। आज मैंने आपकी लिटरेचर स्टार्ट कराई है, चैप्टर वन कराया है, 3 क्वेश्चंस। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे करवाया है, सबसे पहले चैप्टर का ऑथर का नेम, ठीक है, कि राइटर कौन है ये लिखोगे, चैप्टर नंबर लिखोगे, 3 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑथर का नेम लिखोगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिखोगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, एंड ऑल्सो राइट डाउन द समरी ऑफ 3 क्वेश्चंस, और इस चैप्टर की समरी भी लिखोगे। देखो आप समरी लिखोगे तो आपको इस चैप्टर की समरी या स्टोरी लर्न हो जाएगी कि इस चैप्टर में क्या बताया था मैंने, आपको क्या समझाया था। तो इसीलिए समरी सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कराऊंगी इस चैप्टर के, वो भी आपको करने हैं। देखो आई नो सम स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी बुक ऑफ हनीकॉम, सो प्लीज़ राइट ऑल्सो राइट डाउन द समरी ऑफ दिस चैप्टर, ओके। And if you face any type of problem, then ask you and give the comments after watching the video, ठीक है। और जिस रजिस्टर में आप ग्रामर पोर्शन कर रहे थे उसी में आप ये लिटरेचर पोर्शन भी करोगे, ठीक है। चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो रजिस्टर आपने यूज़ किया है उसके उसको हाफ ऑफ कर लो, ठीक है, मीन्स हाफ पोर्शन में इंग्लिश ग्रामर कर लो और हाफ पोर्शन में आप अपनी लिटरेचर कर लो, ठीक है, मीन्स एक तरफ आपकी ग्रामर हो जाएगी और दूसरी तरफ आपकी लिटरेचर हो जाएगी, ठीक है। इससे इजी हो जाएगा आपको भी फाइंड आउट करना कि ग्रामर के पोर्शन सारे एक साथ आ जाएंगे और लिटरेचर के सारे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। और आपको हाईलाइटर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है, ठीक है, ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।